हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल डोमेन के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इंटीग्रल डोमेन देखते हैं कि आखिर में इंटीग्रल डोमेन है क्या। मान लीजिए आपके पास आर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसका दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। अगर वह इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वह इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। यानी जो पहला प्रॉपर्टीज है, यानी आर प्लस अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप, अगर आर प्लस अबेलियन ग्रुप होता है और आर डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन के केस में यह सेमी ग्रुप होगा। यह जिसका जो अगला प्रॉपर्टीज है आर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका जो अगला कंडीशन है यह रिंग विथ यूनिटी होगा। रिंग विथ यूनिटी और यह रिंग विथ कम्यूटेटिव भी होगा। रिंग विथ कम्यूटेटिव और फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर, फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर इन सारे कंडीशन को अप्लाई करता है तो वह इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। इसका जो पहला कंडीशन है यानी आर प्लस अबेलियन होगा, आर डॉट सेमी ग्रुप होगा, आर प्लस और डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, यह रिंग विथ यूनिटी होगा, रिंग विथ कम्यूटेटिव होगा और फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर होगा। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स अगर इन सारे कंडीशन को अप्लाई करता है तो वह इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इसके डेफिनेशन को मैं आपको एकदम अच्छी तरह से लिख के समझाने का कोशिश करता हूँ। हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हम लोग ले लिए आर को एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। मैं आपको एक चीज बता दूं, इंटीग्रल डोमेन को हम लोग आई और डी से डिनोट करते हैं। इंटीग्रल डोमेन को हम लोग आई और डी से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स अगर इन सारे कंडीशन को फॉलो करेगा तो वह इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। यानी इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका जो पहला कंडीशन है कि आर प्लस के केस में अबेलियन ग्रुप होगा, यानी आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और हम जानते हैं कोई भी सेट अबेलियन ग्रुप होने के लिए पांच कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई दो एलिमेंट ए और बी आर पर बिलोंग करता है। ये एडिशन के लिए देख रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, आर पर बिलोंग करेगा। दूसरा इसका होता है एसोसिएटिव लॉ, लॉ बोलिए चाहे प्रॉपर्टी बोलिए। एसोसिएटिव में क्या होता है, कोई तीन एलिमेंट ए और बी और सी आर पर बिलोंग करता है तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक, अब इसका जो अगला प्रॉपर्टी है वह हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में होता है हम लोग का कि कोई एक एलिमेंट ए है जो आर पर बिलोंग करता है और हम लोग एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट
एन एलिमेंट ई, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं जो आर पे बिलोंग करता है, सच दैट या इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेगा ए प्लस ई इक्वल्स टू ए और ई प्लस, यानी एडिटिव आइडेंटिटी का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, यह तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग इसके चौथे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसका जो चौथा प्रॉपर्टी है वह हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट ए है जो आर पे बिलोंग करता है, तो इसका इनवर्स, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इसका इनवर्स माइनस ए भी आर पर बिलोंग करेगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए एक एडिटिव आइडेंटिटी देगा। और इसका जो अगला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें दो एलिमेंट ए और बी अगर आर पर बिलोंग करता है तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेगा। अगर कोई भी नॉन इम्पिटी सेट इन पांच कंडीशन को फॉलो करता है तो वह एक अबेलियन ग्रुप होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि पहला अबेलियन ग्रुप होता है, दूसरा सेमी ग्रुप होता है। तो अब हम लोग इसके सेमी ग्रुप दिखाएंगे। यानी आर मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाएंगे, यानी ए डॉट बी भी क्या होगा आर पर बिलोंग करेगा, वो दूसरा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि कोई तीन एलिमेंट आर पर बिलोंग करता है तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेगा। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी जो इसका आठवां नंबर का जो कंडीशन होगा वो हम लोग का होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वह हम लोग का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों यहाँ पे शामिल होता है। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे कोई तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी, बिलोंग कर रहा है आर पर, इसमें कुछ नहीं होता, जो ए है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी जोड़ ए सी होता है। और जब इसको राइट साइड में लिख देंगे तो यह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ हम लोग ए को राइट साइड में लिखेंगे, ये हो जाएगा बी ए जोड़ सी ए। तो इस तरह यह आठवां कंडीशन फ्लो करेगा। और इसका जो हम लोगों ने पढ़ा कि नौवां जो कंडीशन होता है वह होता है रिंग विथ यूनिटी। और रिंग विथ यूनिटी में होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नॉन इम्पिटी सेट रहेगा उसमें अगर कोई एक एलिमेंट वन रहेगा तो वह रिंग विथ यूनिटी सेटिस्फाई करेगा, यानी वन बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वन बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा देखिए वह इस प्रकार से है। तो रिंग विथ यूनिटी का मेरा एक वीडियो है, अगर आपने अभी तक मेरे उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कोई एक आर पर बिलोंग करता है, ए भी आर पर बिलोंग करता है, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाएगा। यह हुआ इसका नौवां प्रॉपर्टीज। इसका जो दसवां प्रॉपर्टी है हम लोगों ने अभी बोला कि रिंग विथ कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, और ये दो चीज़ जान लीजिए, रिंग विथ यूनिटी और रिंग विथ कॉम्यूटेटिव तभी होगा जब कोई नॉन इम्पिटी सेट रिंग होगा, तभी ये दोनों सेटिस्फाई होता है, नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक, तो रिंग विथ कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए और बी आर पर अगर बिलोंग कर रहा हो तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हो जाएगा। और इसमें और एक कंडीशन हमको इसमें देखना है, फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर। तो आइए देखते हैं,
फ्री फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर, फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर का और एक नाम है विदाउट जीरो डिविजर, विदाउट जीरो डिविजर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर में क्या होता है। कि जैसे कोई दो एलिमेंट ए और बी अगर आर पर बिलोंग करता हो तो वह इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाता है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है जीरो। इससे क्या होता है मेरा आइदर या तो ए बराबर जीरो होगा और बी बराबर जीरो होगा। मैं अब पेज पलट के लिखता हूँ, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा था कि ए और बी अगर आर पर बिलोंग करता है सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, आइदर ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, यानी दैट इज अगर मेरा ए जीरो होगा तो बी जीरो नहीं होगा एंड अगर मेरा ए जीरो नहीं होगा तो बी जीरो होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वह इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। देन ऑल 11 पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड इट इज ऑल्सो called an also called an integral domain। यानी फ्रेंड्स अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स अगर इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वह इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि वह हम लोग का जो कंडीशन था वह क्या क्या था, कि कोई नॉन एम्प्टी सेट आर रहेगा उसका दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो उसका जो पहला कंडीशन है आर प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, आर मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप होगा, आर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, रिंग विथ यूनिटी होगा, रिंग विथ कम्यूटेटिव होगा और फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर होगा। फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर और कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स अगर इन सारे कंडीशन को अप्लाई करता है तो उसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन यानी कि आईडी कहेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।